हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आशीष पाठशाला। ये हमारा इंग्लिश का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पैराजम्बल के टॉपिक पर चार मेजर क्लूज डिस्कस किए थे। हमने देखा था कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटेंसेस की हेल्प से आप कैसे पैराजम्बल के क्वेश्चंस कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था टाइमलाइन बेस्ड पैराजम्बल्स, देन वी डिस्कस्ड मैंडेटरी पेयर्स, और लास्ट में हमने देखे थे आर्टिकल बेस्ड पैराजम्बल्स। ठीक है, देखिए काफी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट लेक्चर के बाद बोला कि मैम आप इजी क्वेश्चंस सॉल्व करा रहे हो, आप थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस के एग्जांपल्स लीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, आप पैराजम्बल के जो क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहले इजी क्वेश्चंस में अपनी पकड़ बनाइए, क्योंकि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में जीआरई जीमैट के लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं पैराजम्बल्स पर। तो इसलिए मैंने आपको ये क्लूज या ये जो टूल्स हैं मैं दे रही हूं आपको, ताकि आप पैराजम्बल के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कैटेगराइज कर पाएं। और एक बार अगर आप क्लासिफाई या कैटेगराइज करना सीख जाते हैं ना, तो पैराजम्बल का जो टॉपिक जो अभी तक आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता था इंग्लिश के एग्जाम में, वो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। एंड मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, ये पैराजम्बल का जो टॉपिक है ना, इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। मतलब जितना आपको लगता है कि ये क्रैक नहीं किया जा सकता, ये बहुत डिफिकल्ट है, इसमें तो आप 100% स्कोर ही नहीं कर सकते, ऐसा है नहीं। ठीक है, तो एक बार अगर आप पैराजम्बल का को सॉल्व करने का जो तरीका है वो हैक कर लेते हो ना, तो इसमें इस टॉपिक में एक तो आपका टाइम कम हो जाएगा, जहां आपको कहीं 40-45 मिनट्स लगते थे, वहां पैराजम्बल के क्वेश्चंस आप 20-25 मिनट्स में सॉल्व कर पाओगे। प्लस अगर आपके मार्क्स 10-12 आउट ऑफ 20 आ रहे थे, तो वो अब आपके 20 या 19 तक पहुंच जाएंगे आराम से। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं बाकी के जो बचे हुए 4 या 5 क्लूज थे। सो आवर फिफ्थ टूल इज अब्रीविएशंस और एक्रोनिम्स। आप सभी समझते हैं अब्रीविएशंस क्या होता है, जो टर्म्स का शॉर्ट फॉर्म होता है उसे हम अब्रीविएशंस कहते हैं। ठीक है, तो इसका मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिला जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, बट आई विल एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। देखिए मान लीजिए 4 सेंटेंसेस आपको गिवन है, ठीक है, और ये सेंटेंसेस प्रधानमंत्री जनधन योजना पर है। मान लीजिए सेंटेंस ए में प्रधानमंत्री जनधन योजना का फुल फॉर्म लिखा है, ठीक है, मतलब पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखी है जनधन योजना, ओके, और सेंटेंस सी में इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है PMJDY। अब आप देखिए, अगर सेंटेंस ए में इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है और सेंटेंस सी में इसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो ये हमें पता लग जाएगा कि सेंटेंस ए सेंटेंस सी से पहले ही आएगा हमेशा। ठीक है, सी ए नहीं होगा कभी भी, ये आप समझ रहे हैं। मतलब आपको ए और सी की जो कॉम्बिनेशन है वो ऑप्शंस में देखनी है कि किस ऑप्शन में ए और सी साथ में आ रहे हैं। मान लीजिए किसी ऑप्शन में ऐसा गिवन है आपको ए बी सी डी, तो यहां पर तो ए और सी साथ में नहीं है, तो आप आसानी से ही ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। और अगर किसी ऑप्शन में गिवन है ए सी बी डी, ठीक है, और ये सिर्फ एक ऑप्शन में गिवन है, तो आप पता लग जाएगा आपको कि मेरा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ए सी बी डी, क्योंकि ए और सी सिर्फ इस ऑप्शन में साथ में गिवन है। देख रहे हैं आप कैसे अब्रीविएशंस की हेल्प से आपने पैराजम्बल सॉल्व कर लिया। मतलब अगर किसी सेंटेंस में किसी टर्म की फुल फॉर्म गिवन है, तो वो हमेशा उस सेंटेंस से पहले आएगा वो सेंटेंस जिस सेंटेंस में उसकी शॉर्ट फॉर्म गिवन है। मतलब ए और सी का कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेगा, समझ गए आप, ओके। तो आगे से आप जब भी पैराजम्बल के क्वेश्चन सॉल्व करें और आपको कोई शॉर्ट फॉर्म गिवन हो, तो आप ये ध्यान में रखें कि अगर शॉर्ट फॉर्म यूज हुई है, तो जो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म है वो हमेशा उस सेंटेंस से पहले ही आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये टाइप। अब डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्लू, विच इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट समथिंग पर्टिकुलर इन अ सेंटेंस, वो किसी स्पेसिफिक चीज की तरफ इशारा करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं, दिस That, these, those। तो आपको अगर ऐसे वर्ड्स देखने मिले तो आप ये समझ जाएंगे कि ये किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में दिस दैट दीज दोज जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज हुए हैं, तो आप देखिए कि इससे पहले कोई ना कोई सेंटेंस जरूर आएगा। मतलब ये अगर किसी सेंटेंस में यूज हो जाते हैं, तो वो सेंटेंस कभी भी आपका ओपनिंग सेंटेंस नहीं बन सकता, ओके। चलिए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से देखते हैं कि कैसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की हेल्प से पैराजम्बल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्लोज एंडेड टाइप है, देख रहे हैं आप, आपको ओपनिंग सेंटेंस भी गिवन है, आपको क्लोजिंग सेंटेंस भी गिवन है। अब आपको बचे हुए 4 सेंटेंसेस को एक सीक्वेंस में अरेंज करना है।
अब देखिए सेंटेंस पी में एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है विच इज दिस. दिस मेड लाइफ एक्टिव एंड अलर्ट. सो हमें देखना है वॉट मेड लाइफ एक्टिव एंड अलर्ट, किस चीज की बात हो रही है. सेंटेंस फर्स्ट पढ़ते हैं अपना जो हमें गिवन है. हेल्थ एंड फिटनेस हैव नाउ बिकम वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स. ठीक है, अब आपने सेंटेंस पी पढ़ा है, दिस मेड लाइफ एक्टिव एंड अलर्ट. तो पी तो हमारा ओपनिंग सेंटेंस कहीं से भी लग नहीं रहा है कि ये ओपनिंग सेंटेंस होगा, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है. मतलब पी से पहले कोई ना कोई सेंटेंस जरूर आएगा. अब आप जब बाकी सेंटेंसेस रफली रीड करते हैं तो आप देखेंगे सेंटेंस क्यू, अर्लियर ह्यूमंस यूज टू हंट फॉर द लिविंग. तो ये जो हंटिंग की एक्सरसाइज है, हो सकता है जो सेंटेंस पी में दिस यूज हुआ है वो इसी एक्सरसाइज के लिए यूज हुआ है. तो अभी हमें पता नहीं है, बट वी कैन हैव अ रफ आइडिया कि सेंटेंस क्यू कैन बी आर ओपनिंग सेंटेंस. मतलब क्यू हमारा पी से पहले आएगा. ठीक है, अब देखिए क्यू स्टार्टिंग सिर्फ एक ऑप्शन में गिवन है आपको, वो है ऑप्शन सी, क्यू एस पी आर. राइट, बाकी ऑप्शन में आपको क्यू से स्टार्ट होते हुए नहीं दिख रहे हैं सेंटेंसेस, तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं बाकी के ऑप्शन. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी आपके एलिमिनेट हो जाते हैं. यू आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज आर करेक्ट आंसर, दैट इज क्यू एस पी आर. एक बार रीड करके देखते हैं. हेल्थ एंड फिटनेस हैव नाउ बिकम वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स. Earlier humans used to hunt for the living, due to which their body had to undergo a lot of physical exercise. This made life active and alert. अब आप देख रहे हैं this किसके लिए use हुआ? Hunting की exercise के लिए. Okay? Now life has become more simple and easy. Everything we need is just a phone call away. Make sense? Right? देखा आपने कैसे demonstrative pronouns को आपने use किया और paradigmatic question solve कर लिया आसानी से. आपको बाकी ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ना आपको बाकी सेंटेंसेस रीड करने की जरूरत पड़ी. आपने बस देखा कि भाई क्यू हमारा ओपनिंग सेंटेंस होगा, और जब आपको ये पता लग गया सो आपने ऑप्शन सी एकदम आपने मार्क कर दिया कि भाई ऑप्शन सी इज आर आंसर. राइट, चलिए अब नेक्स्ट क्लू डिस्कस करते हैं. आवर नेक्स्ट क्लू इज पर्सनल प्रोनाउंस. ये भी आप सभी जानते हैं, रेफर टू अ प्लेस, पर्सन और अ थिंग. ठीक है, किसी जगह, किसी इंसान या किसी भी चीज की बात हो उसे उस टाइम पर हम यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस. अब देखते हैं ये प्रीवियस क्वेश्चन की हेल्प से कैसे पर्सनल प्रोनाउन आपको हेल्प कर सकते हैं पैराजम्बल के क्वेश्चन सॉल्व करने में. ये भी क्लोज एंडेड टाइप है, आपको ओपनिंग सेंटेंस भी गिवन है, आपको क्लोजिंग सेंटेंस भी गिवन है. राइट, एक बार ओपनिंग सेंटेंस पढ़ते हैं. देयर वॉज अ बॉय नेम्ड अली. अब अली की बात हो रही है यहाँ पे. ओके, अब देखिए आप बाकी के सेंटेंसेस रीड करेंगे तो सेंटेंस क्यू में आप देखेंगे एक पर्सनल प्रोनाउन को यूज हुआ है, दैट इज ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स. तब हमें देखना है कि हु लिव्ड विद हिज पेरेंट्स. यहां पर ही किस पर्सन के लिए यूज किया गया है. अब आपने देखा सेंटेंस वन में अली की बात हो रही है, तो यानी सेंटेंस वन के फॉलो अप में सेंटेंस क्यू आएगा. क्यू में जो ही यूज हुआ है वो सेंटेंस वन के अली के लिए यूज हुआ है. मतलब वन और क्यू का कॉम्बिनेशन आपको देखना है, मतलब क्यू इज योर ओपनिंग सेंटेंस. अब क्यू ओपनिंग सेंटेंस आपको कहां पर गिवन है? आपको क्यू ओपनिंग सेंटेंस सिर्फ ऑप्शन सी में गिवन है. देखे, आपको बाकी ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी. तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? क्यू एस पी आर. बाकी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि ये तो क्यू से स्टार्ट ही नहीं है. अब एक बार रीड करके देखते हैं ये कॉम्बिनेशन, क्या हम लोग सही गेस कर रहे हैं. There was a boy named Ali. He lived with his parents. They were very poor. They asked him to find work, but Ali refused to work. They asked him to leave the house. Make sense, right? एक sequence हो गया. तो देखा आपने कैसे personal pronoun की help से आपने ये paradigmatic question आसानी से solve कर लिया. So I hope आपको ये भी type समझ आ गया होगा, ये clue भी समझ आया होगा. अब discuss करते हैं अपना next clue, विच इज ट्रांजिशन वर्ड्स. अब ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं? देखिए ट्रांजिशन का मतलब होता है किसी एक चीज से दूसरी चीज की तरफ जाना, मतलब ट्रांजिट करना, मीन्स चेंज करना. राइट, तो जब जो ये वर्ड्स क्या होते हैं, दीज वर्ड्स कनेक्ट टू सेंटेंसेस लॉजिकली. जो दो सेंटेंसेस को एक लॉजिकल फैशन में कनेक्ट करें वो वर्ड्स होते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स लाइक सिमिलरली, मीनवाइल, लेटर, सून, फॉर इंस्टेंस, इन एडिशन टू एक्सेट्रा. ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं. आपको एक ओपनिंग सेंटेंस गिवन है और एक क्लोजिंग सेंटेंस गिवन है. राइट, अब देखें
गिविंग एडवाइस इज अ डिफिकल्ट टास्क. ओके, और आप बाकी के सेंटेंसेस देखें, पी क्यू आर एस, इसमें आपको समझ आएगा दैट जो सेंटेंस पी है उसके स्टार्टिंग में एक ट्रांजिशन वर्ड यूज हुआ है मोर ओवर. तो आपको ये पता लग जाएगा कि सेंटेंस पी से तो आपके जो कॉम्बिनेशन है या जो आपको जो अरेंजमेंट है वो तो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ट्रांजिशन वर्ड आ जाते हैं तो वो आपके ओपनिंग सेंटेंस कभी नहीं हो सकते. बिकॉज मोर ओवर अगर ये सेंटेंस ये वर्ड यूज हुआ है तो मतलब इससे पहले किसी और इवेंट के बारे में, किसी और चीज के बारे में जरूर बात की गई होगी. तो अब हम जो ऑप्शन में, जिन ऑप्शंस में सेंटेंस पी से स्टार्टिंग हो रही है ना, वो ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर दीजिए. अब देखिए आपका ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज पी एस क्यू आर आपकी कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकती, तो पी एस क्यू आर आप एलिमिनेट कर दीजिए. ठीक है, अब देखिए सेंटेंस एस में भी आप देख सकते हैं अनलेस ही नोज अनदर पर्सन हाउ कैन ही एडवाइस, तो एस से भी स्टार्ट नहीं हो सकता. हाउ कैन अ सेंटेंस स्टार्ट विद अनलेस ही नोज, राइट, ये भी सेंस नहीं बन रही है इसकी भी. तो सेंटेंस एस से भी शुरू होने वाले ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपका सेंटेंस ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाता है, एस क्यू पी आर. ओके, देखिए अब आप बाकी सेंटेंसेस को अगर रीड करेंगे तो सेंटेंस पी देखिए, मोर ओवर वन डजंट नो वन सेल्फ अमिड एम्बिग्विटी हाउ कैन वन नो अदर्स. अब आप सेंटेंस एस को रीड कीजिए, अनलेस ही नोज अनदर पर्सन, अब ये यहां पर भी नोइंग की बात हो रही है, तो आपको ये समझ आ गया कि सेंटेंस पी के फॉलोअप में सेंटेंस एस आएगा, मतलब पी और एस की कॉम्बिनेशन आपको जिस ऑप्शन में देखने मिले वो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा. अब ये कॉम्बिनेशन आपको कहां देखने मिल रही है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये सिर्फ ऑप्शन बी में गिवन है, पी एस देख रहे हैं आप, सो आप ऑप्शन डी भी एलिमिनेट कर दीजिए. सो नाउ वी आर लेफ्ट विद आवर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्यू आर पी एस. ठीक है, एक बार रीड करके देखते हैं. Giving advice is a difficult task. It is a wonder how such people like politicians, reformers and people such like are so confident as to invent measures to live their life. Life is but one and mistakes are often irreparable. Moreover, one doesn't know oneself. Amid ambiguity, how can one know others? And last, unless he knows another person, how can he advise? I find it very difficult to give advice. Makes sense, right? Ek sequence follow ho gaya? आपने देखा ट्रांजिशन वर्ड्स जिन सेंटेंसेस में आते हैं वो आपके ओपनिंग सेंटेंसेस कभी नहीं हो सकते हैं. सो ये जब आपको पता लगा तो आपने आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट करके अपना करेक्ट आंसर मार्क कर दिया. आई होप आपको ये क्लू भी समझ आ गया होगा अच्छे से. अब हम आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्लू, विच इज फ्रेजल वर्ब्स और प्रेपोजिशन चार्ट. अब देखिए फ्रेजल वर्ब्स प्रेपोजिशन चार्ट आप अच्छे से जानते हैं, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे, याद किए होंगे, जैसे कॉल फॉर, कम फॉरवर्ड, डिसाइड अपॉन, कंपोज ऑफ, एलियन टू, एक्वेटेड ऑफ, एक्सेट्रा. मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमेशा आपको साथ में देखने मिलेगी. कम के साथ हमेशा फॉरवर्ड आएगा, डिसाइड अपॉन साथ में आएंगे. तो अगर किसी सेंटेंस में आपको लास्ट में डिसाइड नजर आ रहा है और किसी दूसरे सेंटेंस में अपॉन है स्टार्टिंग में, तो वो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन आप हमेशा देखेंगे कि किस ऑप्शन में ये कॉम्बिनेशन आपको देखने मिल रहा है. ठीक है, अब एक प्रीवियस क्वेश्चन की हेल्प से ये भी समझते हैं. ये भी क्लोज एंडेड टाइप है, ओपनिंग सेंटेंस क्लोजिंग सेंटेंस आपको गिवन है ऑलरेडी. हमारा ओपनिंग सेंटेंस है द वर्ल्ड लीडर्स. ठीक है, अब देखिए अब अगर आप बाकी के सेंटेंसेस रफली रीड करते हैं तो आप देखेंगे सेंटेंस पी के एंड में एक वर्ड यूज हुआ है गेट, राइट, दैट द डिस्पोटिक रिजीम विल ट्राई टू गेट. और सेंटेंस एस में एक वर्ड यूज हुआ है ओवर, ओवर इट्स पैल्पेबल सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी. अब आपने ये वर्ड सुना होगा गेट ओवर समथिंग, मतलब किसी चीज से उबरना. ओके, तो आप समझ गए गेट के फॉलोअप में ओवर ही आएगा हमेशा. तो आपका जो कॉम्बिनेशन सेट हो जाता है वो क्या होता है, पी एस. अब पी एस किस किस ऑप्शंस में, किन किन ऑप्शंस में आपको देखने मिलता है वो आप ऑप्शंस देखें. देखिए पी एस आपको यहां पर गिवन है और आप देखेंगे तो सिर्फ इसी ऑप्शन में गिवन है पीएस, तो बाकी के ऑप्शंस तो आपके इजीली एलिमिनेट हो गए, राइट, आपके बाकी के ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं. सो नाउ वी आर लेफ्ट विद द राइट आंसर, जिसमें पीएस का कॉम्बिनेशन गिवन है, विच इज ऑप्शन ए, आर पी एस क्यू. ठीक है, क्योंकि हमने देखा फ्रेजल वर्ब और प्रेपोजिशन चार्ट की हेल्प से हमने कैसे पैराजुमुलर क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें गेट के साथ ओवर ही आएगा. ओके,
एक बार रीड करके देखते हैं आरपीएसक्यू का कॉम्बिनेशन. द वर्ल्ड लीडर्स गैदर्ड इन द पीस कॉन्फ्रेंस वर यूनानिमस इन वॉइसिंग देयर फियर्स दैट द डिस्पोटिक रिजीम विल ट्राई टू गेट ओवर इट्स पैल्पेबल सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बाय अनलीशिंग क्रूडर वायलेंस दैट मे कम इन द फॉर्म ऑफ द यूज ऑफ केमिकल वेपन्स. सेंस बन रही है राइट देखा आपने कैसे आका. अगर आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स पता है कुछ प्रेपोजिशन चार्ट आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं तो वो अगर यूज हो जाते हैं किसी पैराजम्बल के क्वेश्चन में तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वो क्वेश्चन. ठीक है गाइस देखिए ये सभी वो टूल्स थे जो हमने डिस्कस किए अभी तक और मैं ये मानती हूँ कि अब आपको जो पैराजम्बल क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आपका अप्रोच था उसमें बहुत चेंज आया होगा और ये अब मेरे को लगता है अब आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा टॉपिक बिल्कुल भी क्योंकि अब आपको एक डायरेक्शन मिल गई. अब आप पैराजम्बल के जो क्वेश्चंस हैं वो एक हैपहैज़र्ड मैनर में सॉल्व नहीं करेंगे. आप ये क्लूज माइंड में रखिए और इसी डायरेक्शन में पैराजम्बल के क्वेश्चंस को देखिए. ठीक है सो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करें. मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि कैसे जो पैराजम्बल के क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक सीजीएल के एग्जाम्स में वो इन क्लूज की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से. ठीक है गाइस सो आप तैयारी करते रहिए पैराजम्बल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस. सो थैंक यू सो मच गाइस हैव अ ग्रेट डे.